आज अब मुझे अगले ने मारा है। किसने? बड़े बहन जोर जबार ने। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। रुको जरा, सबर करो। कैमरा ना पांच साठी हो। कुत्ते लौड़ी मैं तो कुत्ता। आप कुत्ते? इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। अस्सलाम वालेकुम जी, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अनदर न्यू फ्रेश व्लॉग। कितना रोज़े रह गए फिर बता दो। हमारे साथ तो प्रैंक हो गया, पता ही नहीं था कि रोज़ा होगा कि नहीं, लेकिन अचानक से सहरी की खबर आ गई और पता चल गया रात को। असल में मैं लेट आया हूँ वापस, और वापस आके लेटा हूँ जी। मैसेजेस आगे से आए हुए थे, 11 बजे का टाइम था, रमज़ान मुबारक। तो मैंने सोचा ये क्या हो गया, प्रैंक हो गया हमारे साथ, क्योंकि सऊदी अरब में आप लोगों को पता है कि रोज़ा नहीं था। तो फिर पोस्ट वगैरह देखी तो पता चला कि चाँद नज़र आ गया है, और फिर खाना वगैरह मैंने दबा के खाया। और मैंने सोचा कि घर वालों को इस चीज़ का पता होगा कि सुबह रोज़ा है, लेकिन घर वाले सारे घोड़े बेच के सोए हुए थे 9:30 बजे। और फिर ये हुआ कि हम लोग सहरी कोई भी नहीं उठा, तो आज बिना सहरी के हम लोगों ने रोज़ा रखा हुआ है, सहरी नहीं की हम लोगों ने। और इस टाइम पे ये है कि रात को मैंने खाना सही खा लिया था 11 बजे के टाइम पे, इसलिए भूख नहीं लगी। मौसम की बात करूँ तो ऊपर आप लोग देखो बादल हैं आज, और क्लाउडी वेदर है यहाँ का, और मैंने ऊपर ये कोट भी पहन लिया है, ठंड है। और अभी मेरे साथ मौजूद हैं ये क्यूट सी नाया परी, आपको हम इनसे भी मिलवाते हैं। मुझे ये बताओ, कल तो हमारी इतनी गपशप नहीं हुई, कल भी मिलवाया था, इधर आओ ना, गपशप लगाओ इनके साथ, इतने टाइम के बाद मिली हो। ये कह रहे हैं आपकी कैचरिया तो लगा लूं। कैचरिया इस साइड पे आके लगा ना। अच्छा, ये कह रहे थे कि हमें अनाया इतनी याद आई है, तो आप वापस जाओ कश्मीर। हाँ? और फिर अनाया के साथ व्लॉग बनाओ। तो मैंने कहा चले जाते हैं कश्मीर और अनाया के साथ व्लॉग बनाते हैं। तो अनाया क्या गपशप है फिर? मुझे क्या पता है, टोन कर दी है। टोन नहीं करना, गंदी बात है, बुरी बात होती है। अच्छा मुझे ये बताओ कि आपने रोजा रखा हुआ है आज? ना खिला। क्यों? मुझे क्या पता। सुबह से पीछे क्या कुछ खाया है, जरा एक्सप्लेन करो इधर। क्यों नाश्ता चाय पी है। अच्छा, और बिस्कुट खाए अभी लिया। अच्छा, मतलब के राशन वगैरह मार लिया है फिर, सही है बाल। अच्छा चलो ठीक है जी, आप जाओ। और अभी मैं आप लोगों को, हमारा जो पीछे आप लोग देखो कितना ही ज़्यादा खूबसूरत हुआ वह एरिया, तो आप लोगों को इसके दर्शन करवाते हैं। तो यार ये साथ वाला अगर आप लोग खेत देखो, इसमें गंदम लगी हुई है जो कि काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है। क्या दियो? अच्छा अच्छा, कोई ना, मैं लगी आसम में वीडियो बढ़ाना ज़रा। ये थी हमारी स्फीना चची, जो कि आप लोगों को व्लॉग में भी नज़र आ रही होंगी। तो मैं आप लोगों को गंदम की रूटीन दिखा रहा था, गंदम की जो प्रोग्रेस है वो दिखा रहा था, कि इधर जो गंदम है ना, ये अभी इसके ये पत्ते ही निकले हुए हैं बाहर, ठीक है। ये देखो, और ये यहाँ से अगर आप लोगों को चल के दिखाऊँ तो ये थोड़ा बहुत इसके दाने वगैरह निकले हुए हैं। लेकिन अगर हम बात करें पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान में गंदम की जो फसल है वो ऑलमोस्ट तैयार हो चुकी है, लेकिन यहाँ पर हमारे यहाँ ठंड होती है, चूँकि आप लोगों को पता है ठंडा इलाका है, तो इसलिए कम से कम 2-2.5 महीने लगेंगे इस गंदम को तैयार होने में। ये खैर हमारा खेत नहीं है, और ये ऊपर वाले भी खेत हमारे नहीं है, ये जो ये वाला घर है हमारे कज़न्स है, ये इनके खेत हैं। इसके अलावा हमारे जो खेत हैं ये नीचे हैं, और हम लोगों ने कुछ भी नहीं लगाया हुआ है इनमें, खाली पड़े हुए हैं। हम लोग बिल्कुल इन चीज़ों से दूर हैं जी, काफ़ी, जो कि बुरी बात है खेत। अनाया क्या है? वो छोटी बकरी, वो बड़ी बकरी को पकड़ा। बकरियां भी आ गई है, हमारी बकरी भी आ गई हुई है, छोटी सी बेबी। मैंने उसको इस तरह रख दिया कि बेबी मेरे पास आ। गांव की अपडेट्स वगैरह आप लोगों को दिखा देंगे, अपने जो हमारे गांव के हालातों वाकियात हैं आजकल के, वो आप लोगों के साथ शेयर कर दिए। लेकिन एक न्यूज़ आप लोगों के साथ एक और शेयर करनी है, वो ये है कि बकरी हम लोगों की आ चुकी है वापस। बकरी का घर आप लोगों को बनते हुए दिखाया था, बकरी हम लोगों ने पहले ले ली हुई थी, लेकिन वो हम लोगों ने सर्दियों में, असल में यहाँ पर संभालना काफ़ी मुश्किल होता है, तो वो हम लोगों ने किसी और के घर पर छोड़ी हुई थी। तो ये है कि अभी हम लोग उसे वापस ले आए हैं, लेकिन उसके साथ साथ 2-3 बकरियाँ और आ गई हुई हैं। तो बकरियाँ भी हैं साथ में, उनके बच्चा है एक छोटा सा, बड़ा क्यूट सा, वो आप लोगों को मैं दिखाऊंगा।
और वो आप लोगों को सुबह मैंने दिखाना है, क्योंकि इस टाइम पे मैं जा रहा हूँ अभी बाजार वाली साइड पे और स्कूल वाली साइड पे, तो वहाँ पे चल के मैं लोगों से ये पूछता हूँ, शायद बाज़ार में चला जाऊँ तो लोगों से पूछता हूँ तो किस किस ने आज जो सहरी किए बिना रोज़ा रखा हुआ है, क्योंकि मोस्टली लोगों को यही था कि हम लोगों ने कल नहीं बल्कि परसों रोज़ा होने वाला है। तो ये एक अचानक से चांद नज़र आने की खबर मिली है, और किस किस ने रोज़ा बिना सहरी, हम लोगों की तरह किस किस ने बिना सहरी किया है, ये चल के मैं पूछूंगा। फ़िलहाल चलते हैं स्कूल वाली साइड पे, और ये अभी के व्यूज़ सामने के आप लोग चेक करो तो बड़े ही प्यारे हैं। मैं तो सांगोल, कैसे हैं जी आप? मैं अल्लाह शुक्र, तुसी सुनाओ कहाँ थे? आपको खो गए, हमको छोड़ गए, गुजर गए, हार गए, दफा हो गए, आप किधर से? नहीं मैं इस्लामाबाद था। आप मुझे ये बताएं, आपने आज सहरी की है? सहरी किया, दो बार किया। ओहो कैसे पता चला आपको कि आज रोजा है? आज रोजा रात को उठ रहा बजा है। आज मुझे अगले ने मारा है। किसने? बड़े बहन चोर जबार ने। अभी बजा आएगा ना भिड़ो। और इसने मारा काजी रियाज ने। हमारा खून दिखाओ। आप खून दिखा रहे हैं, ये तो आपके साथ बड़ा जुल्म हो गया। मुझे आप ये बताएं कि आप बड़े कमजोर हो गए, आज का क्या वजह है? बस कमजोर लोग ने मार मार के, ये देखो आप 10 बजे आपके अबू की हुआ, आपके अबू की कब्र में सफा करता हूँ। अच्छा, अभी घर के आया हूँ। तो आप एक मेहरबानी करें, आप रोजे आ गए तो आप ऐसे ही ना घूमा फिरा करें ना। नहीं नहीं मैं जाऊंगा। हाँ। जनसी के बंदे आ रहे हैं। अच्छा। इनके पीछे। अच्छा। मुझे ओ क्यों मार रहे हैं मुझे? अच्छा। घर वाली आज 10 पे दे दे काजी जान मोहम्मद साहब की कब्र। हाँ। अबू की 10 हो 20 हो जो भी हो, अल्लाह करे मकद्दर की बात है। भली भजे पैसे है नी दस बार चल कोई नी मिलो ना ना। अर्शद साहब जंगल जा रहा जंगल छोड़ दी है। जंगल में मैं जाऊंगा आज। अच्छा शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। आप मेरा आवाज सुने? हाँ। रुको जरा, सबर करो, बोला धक्का मुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। हाँ ओ रोजा रोजा कैमरा ना पाल सटी हो। तेजस्वी लोग हैं हमारे पास ना। सटिया को रहे सटे नानी नहीं गया तो याद आ दी उसे याद आ दी है ए बंदे बगल गए ना। क्या बाजार बेले जाते हैं तुझे साहब? ना मैं ना तो किस टाइम की थी तुझे अचानक ऐलान आया ना तुझे उस टाइम किस कंडीशन में जा ना सर तो सब बड़े कल मैसेज है सर तो बड़े कल मैसेज है आलो का मैनु डराया रात के बर से काले हो अल्लाह अल्लाह अरे दम दम मस्कलंदर अरे दम मस्कलंदर बोला कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर साला तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा बता रहे हैं हम दम मस्कलंदर गोला अगोरा जोला पिछो जोला मैं मुझे जैसा मुझे खोला मुंदे खोला ओला ओला एर मुझे ठीक है जुला वो पिछो गाड़ी आई है रोजा रखी जी। भूख तो नहीं लगी? अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम जीशान है, पीयूष है, फलाना ना है। आज मेरा फलाना रोजा है। कितना रोजा है आज? पहला। तुम्हारा भी पहला है जी। अच्छा भूख तो नहीं लगी आपको अभी तक? नहीं लगी। फ्रेश हो सही? नमाज भी पढ़ोगे? अच्छा
हाँ जी संगियों तो मित्रों बेलियों तो सजनों सुनाओ कैसा गुजरा है आप लोगों का रोज़ा, भूख शुक लगी है कि नहीं? मेरी तो हालत काफ़ी टाइट हो गई, अभी भूख लग चुकी है, लेकिन अभी सिर्फ 5 से 6 मिनट बाकी हैं इफ्तारी में, तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा गुजर चुका है रोज़ा। और ये कि अभी चलते हैं घर, पहुँचने ही लगा हूँ मैं थोड़ा, और बस चल के जी इफ्तारी शफ्तारी करते हैं, और उसके बाद सीन्स ये होंगे कि मैं आज तो मैंने नहीं पढ़ने जाना तरावी, कल से इंशाल्लाह तरावी भी स्टार्ट करेंगे। तो आज का व्लॉग यही था शुगर मेला, आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा, पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। कल एक और नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे, तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखें जी, खुदा हाफिज़।